अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वैफ शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वैल्यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बायो के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। एक बात मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, बायो के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए। एक आपकी हेडिंग्स और एक आपके डायाग्राम। डायाग्राम आपको काफ़ी क्वेश्चन जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके डायग्राम के बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी लाजमी आ सकता है मेरे आइडिया के मुताबिक कि आपने डायग्राम बनानी होगी और उसके पार्ट्स के नाम लिखने होंगे, तो आपने ये क्वेश्चन लाजमी तैयार करके जाना है। बहुत आसान होता है अगर आपके डायग्राम आपकी प्रिपेयर हो और आपकी ड्राइंग अच्छी हो। दूसरी बात, आपने हेडिंग्स के ऊपर बहुत फोकस करना है। हेडिंग्स जैसे आपकी एग्जाम्पल्स, आपकी जो है स्कोप, आपके जैसे और हो गया, आपके हेडिंग्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने इनके ऊपर काफ़ी फोकस करना है। तो चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 ब्रांचेस इन बायोलॉजी, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 के 5 किंगडम सिस्टम है और बायनोमियल क्लेचर जो है चैप्टर नंबर 3 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। मैं जानता हूँ कि बायो ऐसी किताब है जिसमें से काफ़ी ऐसे सवालात होते हैं जो सारे लॉन्ग के लिए तैयार करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 में से सेल वॉल है, टाइप टा नोट और न्यूक्लियस। स्टूडेंट, सेल वॉल की डायाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है आपने, और न्यूक्लियस की भी डायाग्राम। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक है और डिफ्यूजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग। चैप्टर नंबर 5, इसके सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन G1 एंड G2 फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है। आप इन 3 क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करिएगा, काफ़ी लंबा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर यूजेस ऑफ एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। और चैप्टर नंबर 7 की तरफ चले तो फोटोसिंथेसिस और एक्सपायरेशन है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन स्टूडेंट, और डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है 7 इस चैप्टर के। लाइट और डार्क रिएक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं आने के। राइट अ नोट ऑन डाइट्री फाइबर्स, फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इन मैन, रोल ऑफ लीवर। और चैप्टर नंबर 9 में से डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इन डिटेल, राइट अ नोट ऑन हार्ट बीट और राइट अ नोट ऑन। स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह इनमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मजीद वीडियोस आपको मिलती रहे, और जो बेल आइकन अगर आप क्लिक करेंगे उस पर, उसका फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि आपको नोटिफिकेशन आता है, ताकि पता लगता है इस मेरे चैनल पे डेली वीडियो अपलोड होती है और आपको साथ साथ नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा कैरियर के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं, आपने पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है इसके हवाले से काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।